हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं लो वोल्टेज एसी फ्यूजेस के बारे में। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा हाई वोल्टेज एसी फ्यूजेस के बारे में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आप जाके रिफ़र कर सकते हैं, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये सारे लो वोल्टेज टाइप के एसी फ्यूजेस हैं जिनको हम सिस्टम में यूज़ करते हैं। सो इन सारे फ्यूजेस का नाम क्या है एज वेल एज इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है एंड वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम सीखेंगे। सो फ्यूजेस के टाइप कितने होते हैं? सो फ्यूजेस दो तरह के रहते हैं, डीसी फ्यूजेस एज वेल एज एसी फ्यूजेस। सो डीसी फ्यूजेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा हाई वोल्टेज एसी फ्यूजेस के बारे में। उसके अंदर कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज, लिक्विड टाइप का फ्यूज एंड एक्सपल्शन टाइप का फ्यूज। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है देन आप जाके रिफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल रहा होगा। सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे लो वोल्टेज एसी फ्यूजेस, जिसके अंदर फ्यूजेस आते हैं कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज। सो उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, डी टाइप का फ्यूज यानी कि डायज्ड टाइप का फ्यूज एंड सेकंड पार्ट है लिंक टाइप का फ्यूज। अगेन लिंक टाइप के फ्यूज के अंदर दो पार्ट्स हैं, ब्लेड टाइप का फ्यूज एंड बोल्टेड टाइप का फ्यूज। थर्ड फ्यूज का टाइप है रिवायरेबल टाइप का फ्यूज। फोर्थ वन है स्ट्राइकर टाइप का फ्यूज। फिफ्थ वन है स्विच टाइप का फ्यूज एंड लास्ट वन है ड्रॉप आउट टाइप का फ्यूज। सो इन सब को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है लो वोल्टेज फ्यूजेस के अंदर कार्ट्रिज टाइप का फ्यूज। उसके अंदर आता है डी टाइप का फ्यूज, जिसको डायज्ड टाइप का फ्यूज भी कहा जाता है। सो डायज्ड टाइप का जो फ्यूज है ये उसका फिगर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये बोतल शेप में फ्यूज रहेगा एंड इसका कंस्ट्रक्शन भी दूसरे जो कार्ट्रिज टाइप के फ्यूज हैं उसकी तरह सेम ही रहेगा। सो ये जो आउटर पार्ट है जो कि सिरामिक का बना हुआ रहेगा, इन दोनों एंड पे इसको मेटल का जो कैप है उससे सील किया हुआ रहेगा। अगेन इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम रहेगा दूसरे फ्यूजेस की तरह। इसके अंदर ये फ्यूज़ का एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है जिसको आप फिगर में देख सकते हैं। सो ये फ्यूज़ एलिमेंट जो कि टीन है या लीड है एज वेल एज कॉपर या सिल्वर का भी हो सकता है, जो हमने इस्तेमाल किया है। उसके सराउंडिंग में आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए सिलिका सैंड का इस्तेमाल यानी कि क्वार्ट्ज सैंड का इस्तेमाल करते हैं। सो जब भी ये फ्यूज़ ब्लो होगा देन आपको ये इंडिकेशन देगा। सो ये जो आप टॉप पर देख रहे हैं ये इंडिकेशन डिवाइस है, ये आपको इंडिकेट करेगा कि फ्यूज़ ब्लो हुआ है या नॉर्मल है। सो ये जो डी टाइप का फ्यूज़ है इसको इस्तेमाल करने के लिए ये जो फ्यूज़ का होल्डर है उसके अंदर इस फ्यूज़ को इंस्टॉल किया जाता है एंड आउटर में कैप रहता है उससे इसको कवर किया जाता है। सो डी टाइप का जो फ्यूज़ है उसका करंट रेटिंग 2 एम्पियर to 200 एम्पियर तक अवेलेबल रहता है एंड इसका कंस्ट्रक्शन भी दूसरे फ्यूजेस की तरह सेम रहेगा। नेक्स्ट फ्यूज़ है कार्ट्रिज टाइप के अंदर लिंक टाइप का फ्यूज़। सो लिंक टाइप के फ्यूज़ के अंदर दो टाइप के फ्यूज़ अवेलेबल हैं, नाइफ ब्लेड टाइप का फ्यूज़ एंड बोल्टेड टाइप का फ्यूज़। सो नाइफ ब्लेड आपको देखने में इस तरह का दिखेगा एंड बोल्टेड टाइप का फ्यूज़ आपको इस तरह का दिखेगा। सो इन दोनों का भी वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। उसके अंदर ये फ्यूज एलिमेंट है जो कि कॉपर लीड या टीन का हो सकता है, एज वेल एज उसके सराउंडिंग में आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए क्वार्ट्ज सैंड यानी कि सिलिका सैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एंड पे उसका मेटल का कैप रहेगा एंड ये फ्यूज लिंक कॉन्टैक्ट है। सो कार्ट्रिज टाइप का अंदर लिंक टाइप फ्यूजेस एंड उसके अंदर नाइफ एंड ब्लेड टाइप का फ्यूजेस कवर होता है। नेक्स्ट जो फ्यूज़ का टाइप है वो है रिवायरेबल टाइप का फ्यूज़। सो ये उसका फिगर है। सो रिवायरेबल टाइप के फ्यूज़ को किटकैट टाइप का फ्यूज़ भी कहा जाता है, जिसको हम हाउस होल्ड में इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। सो ये फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन है, ये फ्यूज़ का बेस है जो कि सिरामिक का बना हुआ रहेगा एंड ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज़ के कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसके बिटवीन में ये जो फ्यूज़ का एलिमेंट है यानी कि जो तार है वो लगा हुआ रहेगा। सो ये जो तार है वो लीड या कॉपर या टीन का भी हो सकता है। सो मेन एडवांटेज ये है कि जब ये फ्यूज़ ब्लो होगा देन हम इस फ्यूज़ को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं।
एंड वायर को रिप्लेस करके इजीली इसको बैक टू फंक्शन कर सकते हैं। सो मेन डिसएडवांटेज क्या है इस शूज़ का, कि इसका जो रप्चरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लो रहता है, जैसे कि 2 किलोएम्पियर टू 4 किलोएम्पियर, एज वेल एज़ इसके अंदर आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडिया कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। एंड इसका जो ऑपरेटिंग टाइम यानी कि जो फ्यूजिंग टाइम जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा कम्पेयर टू अदर HRC फ्यूजेस। एंड इसके अंदर फायर एज वेल एज फ्लेम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड ये फ्यूज़ जो है वो इजीली हम रिप्लेस कर सकते हैं, एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव इस फ्यूज़ को कहा जाता है। सो नेक्स्ट फ्यूज़ है लो वोल्टेज के अंदर स्ट्राइकर टाइप का फ्यूज़ है। सो स्ट्राइकर टाइप का जो फ्यूज़ है उसके अंदर आपको एक मैकेनिकल इंडिकेशन डिवाइस रहता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फ्यूज़ है वो नॉर्मल कंडीशन में फ्यूज़ है जो कि ब्लो नहीं हुआ है। सो ये जो फ्यूज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये पिन है स्ट्राइकर पिन जो कि फ्यूज़ के अंदर अभी लगा हुआ है। जब ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा तब ये पिन जो है वो फ्यूज़ से बाहर आ जाएगा। सो ये आपको इंडिकेशन देगा कि फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो चुका है। अभी ये फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन कैसा है, काम कैसे करता है। सो ये फ्यूज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शनल व्यू है। सो ये फ्यूज़ भी अदर फ्यूजेस की तरह सेम प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है ये फ्यूज़ का एलिमेंट है जो कि कॉपर या एल्यूमिनियम या तो टीन का बना हुआ रह सकता है। उसके सराउंडिंग में सिलिका सैंड का इस्तेमाल किया जाता है आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए। एंड वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये स्ट्राइकर का कोयल है। जब भी फॉल्टी कंडीशन में जब एलिमेंट ब्लो हो जाएगा यानी कि फ्यूज़ का एलिमेंट मेल्ट होगा तब क्या होगा कि स्ट्राइकर का जो कोयल है वो एनर्जाइज हो जाएगा। एंड ये जो स्ट्राइकर का जो पिन है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ओके, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस फिगर में। सो इस तरह से आपको पता चलेगा कि फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो चुका है। सो नेक्स्ट फ्यूज़ है लो वोल्टेज सिस्टम के अंदर स्विच टाइप का फ्यूज़, जिसको हम स्विच फ्यूज़ यूनिट यानी कि SFU भी कहते हैं। सो इस फ्यूज़ यूनिट के अंदर क्या है कि इसके अंदर ये एक लीवर दिया हुआ रहता है जिसकी मदद से हम फ्यूज़ यूनिट को डिस्कनेक्ट एज वेल एज़ कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ। सो ये सिरामिक टाइप का जो फ्यूज़ है रिवायरेबल, ये उस टाइप का SFU यूनिट है एंड ये हमारे HRC टाइप का यूनिट है। सो स्विच फ्यूज़ यूनिट जो है वो लो वोल्टेज सिस्टम यानी कि 500 वोल्ट सिस्टम के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से आप SFU की मदद से सिस्टम के साथ डायरेक्टली इसको कनेक्ट एज वेल एज डिसकनेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लो वोल्टेज फ्यूज़ है ड्रॉप आउट टाइप का फ्यूज़। सो ड्रॉप आउट टाइप का जो फ्यूज़ है वो वन ऑफ द एक्सपल्जन टाइप का फ्यूज़ है। सो अभी एक्सपल्जन टाइप का फ्यूज़ कैसे काम करता है उसको हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, आज फिर देख लेते हैं। सो ये आपको देखने में इस तरह का दिखेगा एक्सपल्जन टाइप का फ्यूज़ यानी कि ड्रॉप आउट टाइप का फ्यूज़। सो इसको ड्रॉप आउट क्यों कहते हैं, सो जब भी ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली हमारे सिस्टम के अंदर ये फ्यूज़ इस तरह से कनेक्टेड रहेगा। अभी जब सिस्टम के अंदर ये लगा हुआ है अभी कोई फॉल्ट आया एंड फ्यूज़ ब्लो हो गया। सो जब ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा तब क्या होगा कि यहाँ से जो ये सिस्टम के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे जब ये फ्यूज़ ब्लो होगा देन यहाँ से वो डिटेच होके यहाँ से आप स्विंग करके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब फ्यूज़ ब्लो होगा तब यहाँ पे ये वो लटकता हुआ रहेगा। सो अगर आप स्विच यार्ड में ये फ्यूज़ लगा हुआ है देन अगर कोई फॉल्ट कंडीशन आया एंड अगर ये फ्यूज़ ऑपरेट होता है देन ये स्विच यार्ड में आपको इस तरह से सिस्टम से डिस्कनेक्ट होके जो है स्विंग करता हुआ दिखेगा, देन आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर ये फ्यूज़ जो है वो ब्लो हो चुका है। आपको इंडिकेशन डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, अगर ये फ्यूज़ ड्रॉप करके स्विंग कर रहा है देन आपको पता चल जाएगा कि फ्यूज़ यूनिट ब्लो हो चुका है। अभी ये काम कैसे करता है, सो ये जो यूनिट है फ्यूज़ होल्डर, ये फ्यूज़ होल्डर है उसके अंदर इस टाइप का फ्यूज़ एलिमेंट रहेगा। सो अभी ये काम कैसे करता है, सो ये जो फ्यूज़ एलिमेंट है उसके अंदर आर्क एक्सटिंग्विश करने के लिए बोरिक एसिड का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो आप वाइट पाउडर देख रहे हैं, वाइट पोर्शन देख रहे हैं, ये बोरिक एसिड पाउडर है। ये आउटर का जो पार्ट रहेगा जो कि ट्रांसपेरेंट रहेगा
ट्यूब जिसको वो ग्लास का बना हुआ रहेगा, ओके। एंड ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग है जो कि टेंशन पोजीशन में है, एंड ये सिल्वर का एलिमेंट है जो कि फॉल्टी कंडीशन में मेल्ट हो जाएगा एंड सर्किट को ओपन कर देगा। अभी जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा इस सर्किट के अंदर से, तब क्या होगा, ये सिल्वर का एलिमेंट जो है वो मेल्ट करेगा एंड सर्किट ओपन होगा। अभी ये जब सर्किट यहाँ से ओपन होगा तब स्प्रिंग जो है वो टेंशन पोजीशन में है, यानी कि क्या होगा कि स्प्रिंग यहाँ से रिट्रैक्ट होकर बैकवर्ड आएगा एंड ये जो जो रोड है आर्किंग रोड ये बैक में मूव करेगा। तब क्या होगा कि इन दोनों पार्ट के बीच में आर्किंग बढ़ता जाएगा। अभी जब हाई अमाउंट ऑफ आर्किंग है उसकी वजह से टेम्परेचर जनरेट होगा हाई अमाउंट ऑफ, सो बोरिक एसिड का जो पाउडर है वो क्या करता है, जब हाई टेम्परेचर पे आता है सो क्या होगा, वो डीकम्पोज होके स्टीम जनरेट करता है यानी कि वाटर वेपर जनरेट करता है। सो क्या होगा कि ये कॉन्टेक्ट्स यहाँ से ओपन हो रहे हैं एंड रोड बैकवर्ड मूव कर रहा है, देन इसके बीच में बोरिक का जो पाउडर है वो हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज होकर वाटर वेपर स्टीम जनरेट करेगा एंड हमारी आर्क को एक्सटिंग्यूश कर देगा। सो इस तरह से ये काम करता है ड्रॉपआउट फ्यूज यानी कि बोरिक एसिड टाइप का फ्यूज। एंड ये जब स्प्रिंग यहाँ से कंप्रेस होगा यानी कि जो पहले टेंशन पोजीशन में है एंड फ्यूज ऑपरेट होने के बाद यहाँ से बैकवर्ड मूव होगा, सो इसके ऊपर यहाँ की वन इसके एंड पे जो है वो स्ट्राइकर का डिवाइस लगा हुआ रहेगा। सो यहाँ से ये इसको हीट करेगा एंड यहाँ पे जो लोडेड स्प्रिंग स्ट्रक्चर है उसके साथ वो हीट होके स्ट्रक्चर से डिटैच हो जाएगा एंड यहाँ से स्विंग करेगा, देन आपको पता चल जाएगा कि फ्यूज जो है वो ब्लो हो चुका है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। आज के सेशन में हमने लो वोल्टेज टाइप के एसी फ्यूजेस को कवर किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग, थैंक यू।